गिरफ्तार से जारी। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने मधुबनी मर्डर मामले में किया खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस के कार्यशाली पर उठे सवाल, अपराधियों ने एक व्यक्ति को बंदी बनाकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने मामले दर्ज कर किया इनकार। और जमशेदपुर में डीजल के टैंकर में लगी आग, आग के टैंकर पूरी तरह जलकर हुई दाग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैनी शुरुआत करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने बोकारो में ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और इसी के साथ सरकारी महकमे इसके निपटने के लिए लगा रहे हैं, जिससे जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से पार बताई जा रही है। वहीं अब मरीज की संख्या 200 से पार के बाद कई लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं एक मरीज की कल मौत भी हो गई है। आज बोकारो इंस्पात नगर में बाजार सहित एक बैंक कॉलोनी में भी सैनिटाइज किया गया है। जिले के सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। बोकारो में वैक्सीनेशन घट जाने के बाद से जब उन्हें पूछी गई तो इसके बाद जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज रात तक वैक्सीनेशन का खेप पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लेन जितना जरूरी है उतना ही मास्क सहित कोविड 19 के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है और नगर निगम की गाड़ी से सैनिटाइज आज कराया गया है सेक्टर वन में, और जो प्रभावित एरिया था बैंक कॉलोनी उसमें भी किया गया है। तो फिर अगला आपका कलम क्या होगा, क्या पूरे शहर को सैनिटाइज कराने के लिए सैंपल कर रहे हैं? जहां भी केस मिलता है जिस एरिया में, हम लोग चाहेंगे कि उस एरिया को जरूर सैनिटाइज करवावे। मधुबनी मर्डर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि यह मामला मधुबनी का है, जहां पर एक एम्बुलेंस की ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, उनका नस काट दिया गया था। प्रवीण झा की गिरफ्तारी अब पुलिस ने कर ली है। आपको बता दें कि मधुबनी हत्याकांड के बाद प्रवीण झा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी, जिस पर पुलिस ने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही अन्य चार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण झा की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रवीण झा को बिहार से ही गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल प्रवीण झा का छोटा भाई नवीन झा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश जारी है। मधुबनी की खबर आपको बता रहे हैं। मधुबनी मर्डर केस मामले में अब आरोपी प्रवीण झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण झा की गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीजी मुख्यालय ने की है। आपको बता दें कि मधुबनी हत्याकांड के बाद प्रवीण झा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, जिस पर पुलिस ने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवीण झा की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रवीण को बिहार से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल प्रवीण झा का छोटा भाई नवीन झा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश जारी है। इसी खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल लगी है, पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है, और अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर? जिस आरोपियों की पुलिस को तलाश थी उस आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गिरफ्तारी कहां से हुई है। पुलिस मुख्यालय से जो सूत्रों के द्वारा जो सूचना मिल रही है, उसके अनुसार जो मुख्य जो आरोपी है प्रवीण झा सहित जो खास उनके साथी हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया गया है। फिलहाल अभी
पूरी जानकारी को पुलिस गुप्त रखे हुए है और जैसे ही आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देगी। आप देखेंगे कि लगातार इस हत्याकांड के बाद पुलिस से एक तरफा दबाव पड़ रहा था, जिसे भी विपक्षी पार्टियां हैं लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे थे। खासकर कल जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी में पहुंचे उसके बाद से जो राजनीति और तेज हो गई, यानी कि चौतरफा दबाव झेल रही थी नीतीश सरकार, इसके बाद गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक राहत देती है, परिवार वालों को एक सुकून देती है और साथ ही टोटल 35 आरोपियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है घर वालों की ओर से, उसमें से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई, यानी कि पूरे 16 आरोपी जो है गिरफ्तार पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। अभी भी बहुत सारे आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी होनी है और उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी जारी है। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि 4 आरोपी की पूछताछ चल रही है, इस दौरान क्या आरोपियों ने अब तक कोई बात कही है जिसको लेकर और भी जितने भी आरोपी है उसका पता चल पाए? अभी तक इस गिरफ्तारी को पुलिस अभी गुप्त रखे हुए है, ये किसी भी तरह का सूचना पुलिस की ओर से नहीं दिया गया है जिससे स्पष्ट हो पाए कि पुलिस क्या पूछताछ कर रही है। फिलहाल हम लगे हुए हैं और हम एक बिंदुओं पे नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही जानकारी आगे मिलती है हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन पुलिस की ओर से लगातार दबिश जारी है, जितने भी बचे हुए आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जो है स्पेशल टीम बना के छापेमारी कर रही है। अगर बात करें तो पिछले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जो भी आरोपी हैं, जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों या किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका साठगांठ हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो लगातार नीतीश सरकार दबाव झेल रही थी, उसके बाद एक गिरफ्तारी कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर है। जी मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला और इस दौरान 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, वहीं अब इसको लेकर अभिषेक आपको जानना चाहेंगे आपसे कि अब राजनीति में क्या कुछ हलचल है इसको लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे पीड़ित परिवारों से मिलने और इस दौरान अब क्या कुछ अब राजनीति में चल रहा है इसको लेकर? मधुबनी हत्याकांड की खबरें मीडिया में आई उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज हो गई, लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां वहां पहुंचने लगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे और खास बात है कि जो परिवार वाले हैं, जो मृतक के परिवार वाले हैं, उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो मुख्य आरोपी है प्रवीण झा, उनका कहीं ना कहीं साठगांठ जो है भाजपा जो विधायक है वहां के विनोद नारायण झा उनसे है। इसको लेके तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए थे, वो कल जब पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, उस दौरान जो पीड़ित परिजन है तेजस्वी यादव को उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो प्रवीण झा है, जो रावण सेना एक संगठन चलाता था, उसका कहीं ना कहीं साठगांठ जो सत्ता पक्ष के विधायक है, बीजेपी के विधायक है विनोद था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित हत्या है। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नीतीश सरकार पे जम के निशाना साधा, उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में रोज हत्याएं हो रही हैं, इतनी बड़ी नरसंहार के घटनाओं को अंजाम दे दिया जा रहा है लेकिन नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। हमारे सरकार को जंगल राज कहते थे लेकिन अभी के मौजूदा दौर को देखते हुए ऐसा लगता है कि जंगल राज से भी अभी का सिचुएशन जो है बुरा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार सरकार से दबाव बना रहे थे कि आरोपियों को गिरफ्तारी हो, उसी का नतीजा है कि आज जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। जी मधुबनी की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला था और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान 4 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रवीण झा की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रवीण झा को बिहार से ही गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल प्रवीण झा की छोटी भाई नवीन झा को पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अभिषेक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके अपराधियों के मामले में पुलिस दर्ज करना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि 21 जनवरी की रात है, एक व्यक्ति के 8 से 10 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने व्यक्ति बंदी बना लिया था और फिर उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसको लेकर पीड़ित थाने में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने मामले दर्ज कर नहीं किया और दारोगा ने FIR में भी दुष्कर्म की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला है पूर्णिया का, जहां पर बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधों के मामले में पुलिस मामला दर्ज करना नहीं चाहती है। आपको बता दें 21 जनवरी की रात एक व्यक्ति के घर में 8 से 10 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने पहले तो व्यक्ति को बंदी बना लिया और फिर उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसे लेकर पीड़ित थाने में मामला दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और दारोगा ने FIR में से दुष्कर्म वाली बात हटाने का दबाव भी बनाया है, जिसके बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक के पास किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। पांच छह आदमी को पकड़ लिया और खुटा से बांध दिया और वो लोग 10 आदमी से करीब थे, 8 से 10 आदमी, और बोला लगा तुम्हारा सामान कहाँ है, कि काम क्या है, मारा भी हमको और बड़ा सामान कहाँ है। तो हम बोले फला जगह बक्सा में ले लो, तो सारा कागजात जहाँ टका पैसा 70,000 चांदी सोना जो था ले लिया और हमको बांध दिया और बंदूक सटा के रखा था, तुमको जरा से भी हिलोगे तो तुमको मार देंगे, जरा से भी हिलोगे तुमको मार देंगे, जान से तुमको छोड़ेंगे नहीं आज, समझे ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं आज। उसके बाद हमको मारा, घुसा भी, लाश से भी मारा, बहुत तरह मारा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे, खबरें सुपर फास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बेगूसराय मंडल कारा के एम्बुलेंस ड्राइवर धर्मेंद्र रजक की सनसनीखेज हत्या के बाद अब पुलिस जांच में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को भागलपुर सहित कई जगहों से फॉरेंसिक जांच के लिए टीम बेगूसराय पहुंची, जहां उन्होंने देर रात तक नगर थाने में जब्त मंडल कारा के एम्बुलेंस की तलाशी ली और जांच की गई है। हालांकि इस संबंध में फॉरेंसिक जांच अधिकारियों ने सभी मीडिया सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच की टीम को कुछ मजबूत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सदर DSP राजन सिन्हा ने बताया कि इस मामले में मृतक के मोबाइल का CDR भी निकाला जा रहा है, जो जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को मंडल कारा के एम्बुलेंस ड्राइवर एक कैदी को पटना पहुंचाकर जब वापस लौट रहा था, इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र के नजदीक अपराधियों ने एसिड पिलाकर उनके हाथ काट दिया, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। जो मंडल कारा बेगूसराय है, वहां के चालक थे एम्बुलेंस चालक, वो कल कैदी को लेकर गए थे पटना IGI में। वहां से लौटने के क्रम में फिर लगभग 2:45 बजे के करीब हमारा जो टाइगर मोबाइल है वो घायल अवस्था में वो मिले सुभाष चौक के आगे, फिर इलाज के क्रम में उन्हें भेजा गया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और यह देख के प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है, उसी में हम लोगों ने जो एम्बुलेंस है उसको उसका फोरेंसिक जांच के लिए SSL के टीम फिंगरप्रिंट और बुलाया। फोरेंसिक वाले में तो अलग अलग थे, फिंगरप्रिंट के अलग आए थे और पैथोलॉजिकल के वो भागलपुर से आए थे। लगभग 5-6 आदमी होंगे।
सदर अस्पताल सिमडेगा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के इलाजरत एक मरीज अस्पताल के छत पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा है, जिसे लेकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि मरीज जलडेगा प्रखंड के गांडू टोली निवासी विनोद साव है, जो चार दिन पहले ही इलाज और भर्ती कराया गया था। कल ही उन्हें खून चढ़ाया गया है, जिसके बाद वे बांस के सहारे से बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया और कूदने की बार बार धमकी दे रहा है। वही इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू करने में लगी हुई है। सिमडेगा से अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल में इलाजरत एक मरीज अस्पताल के छत पर चढ़कर कूदने की बार बार धमकी देने लगा, जिसे लेकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। और आपको बता दें कि मरीज जनडेरा प्रखंड के गांजू टोली निवासी विनोद साव है, जो चार दिन पहले इलाज और भर्ती कराया गया था। कल ही उसे खून चढ़ाया गया है, जिसके बाद वे बांस के सहारे बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया और इस दौरान वे कूदने की बार बार धमकी देने लगा। वहीं पुलिस इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, फिलहाल पुलिस रेस्क्यू कर रही है और अब मरीज को छत से उतारने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मरीज बांस के सहारे छत पर चढ़ गया है और इस दौरान मरीज बार बार वहां से कूदने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया और इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस अब रेस्क्यू कर मरीज को उतारने में जुटी हुई है। लातेहार जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के मीठाहा गांव निवासी बजरंगी राम के घर के पास घायल अवस्था में एक अज्ञात 5 साल की बच्ची बरामद हुई है, जिसके सिर और हाथ पर गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद बजरंगी राम के द्वार पूरे मामले की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को दी गई। सभी लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया है। वहीं मामले की जानकारी थाना प्रभारी त्रिनिवास सिंह को मामले के बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को हालचाल जाना और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा बच्चे के परिजन का पता लगाया गया है। बच्चा पलामू जिले के डाल्टनगंज का रहने वाला है। वे अपने पिता के साथ एक शादी समारोह में थाना क्षेत्र के गुलजार बाग में आया हुआ था, जहां बच्चे के पिता ने शराब का सेवन किया, जिसके कारण से रात में वापस डाल्टनगंज लौटने के क्रम में बच्चे की बरावडी डाल्टनगंज मार्ग में मुर्गडी कैंप के आसपास नशे की हालत में गाड़ी से गिर गया, जिसके बाद बच्चे को घायल अवस्था में गांव में पहुंचा ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया है। घायल बच्चे को अब इलाज कराया गया है, फिलहाल उसकी हालत पहले से बेहतर है। जमशेदपुर क्षेत्र के पोटका प्रखंड के टाटगाई पंचायत सबर टोला में कल्याण विभाग की ओर से 9 सबर परिवारों के लिए बिरसा आवास बनाया गया है। आवास का निर्माण घटिया स्तर पर होने से सभी आवास का सॉल के अंदर जर्जर हो गया और 1 साल के अंदर ही आवास पूरी तरीके से जर्जर हो गया है और ये पहले हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है। आपको बता दें यह आवास बताया जा रहा है 9 परिवार पिछले 15 साल से इस जर्जर आवास में रहने को मजबूर हैं। लंबे इंतजार के बाद इन परिवारों को 2017 से 18 में बिरसा आवास दिया गया था। अधिकारों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण इस आवास का कार्य 2019-20 में पूरा हुआ है, जिसके बाद पहली हवा के झोंके में ही 3 आवास का छप्पर उड़ गया है। इसे देखते हुए प्रशासन इन परिवारों को कब तक पक्का मकान देगी, ये देखने वाली बात होगी।
सिटी जमशेदपुर की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पोटका प्रखंड के टागराइन पंचायत में सबर टोला में कल्याण विभाग की ओर से 9 सबर परिवारों के लिए बिरसा आवास बनाया गया है। आवास का निर्माण घटिया स्तर पर होने से सभी आवास एक साल के अंदर जर्जर हो गए हैं, जिससे कई आवास पहले हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनके छप्पर उड़ गए हैं और पैराफीट भी उड़ गई है। और बताया जा रहा है कि पैराफीट गिर गई है और जिसके कारण 9 परिवार के लोग 15 साल से इस जर्जर आवास में रहने को मजबूर है। आवास कल्याण विभाग की ओर से, लेकिन अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है या कुछ कुछ का हो भी गया है, तो अभी देखने में आ रहा है कि मतलब हमारा पूरा दयनीय स्थिति है। कुछ का छप्पर उड़ चुका है, कुछ का पराफिट गिर चुका है, लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि किस स्थिति में है सबर लोग। खबर नालंदा जिले के बिहार थाना अंतर्गत बाबा मणिराम अखाड़ा के पास आ रही है, जहां पर चोरों ने सीआरपीएफ जवान उदय शंकर के घर ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है और चोरी के सामान की कुल अनुमान कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जवान के परिवार होली के समय में गांव गया हुआ था। सुबह पड़ोसियों की नजर जब टूटे हुए ताले पर पड़ी तब घटना का खुलासा हुआ। वही सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी चोर हथियार से लैस थे, यही नहीं चोरों ने पड़ोसियों के घरों की ही कुंडी लगा दी थी। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज करा लिया गया है और पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। उसी बार 2 दिन के लिए गए थे, तीसरा दिन कांड हो गया, आज हमको आना था। बच्चे लोग का कल एग्जाम है, दो लगा तो ले ही लिया मैं पैसा और वो गाना जो सामान में पंखा लिया है उधर, जेवर भी है। हाँ, जेवर है, पैसा है। कितना जेवर है? कितना का लमसम जेवर है? 4-5 जोड़ा कान वाला था, ये गला का था, अंगूठी है। औरंगाबाद की खबर बता दें आपको, जहां पर 2 बाइक के आमने सामने टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मृतकों की पहचान दाऊन नगर के अमृत बिगहा निवासी 25 साल के चंद्रमा पासवान और तराड़ी कुबान बीघा निवासी 30 साल के शंकर पासवान के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि घटना बीती रात की है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घायलों को उठाकर दाऊन नगर अनुमंडल अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 3 युवक को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दाऊ नगर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। जैसे मेरे गाँव के मजदूर थे, लोग ढलैया करके कहीं से आ रहे थे। सिचुएशन ऐसा हुआ है कि गांव में या प्रखंड में, मेरे गांव में या अगल बगल ऐसा लॉकडाउन लगाया गया शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि मेरे गांव के आदमी बाहर से कमा के आ रहे थे और रोड पे इतने मतलब अति हुआ है ना, बिजी है, उन लोग बेचारा थे, बाइक से बाइक टक्कर करवा दिए उन लोग, हो गया गलती से भी और गाँव के उम्र हुआ अति हो गया। जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत हाता प्रेम नगर मुख्य सड़क पर एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी पहुंचते तब तक आग के टैंकर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत हाता प्रेम नगर मुख्य सड़क पर एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग
शॉर्ट सर्किट से लगी है। वहीं सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और लेकिन तब तक आग से टैंकर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की अब तक सूचना नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। राशन कार्ड जहां गरीब परिवार की भूख मिटाने का साधन है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह लालच के घर भी बन गया है। कुछ लाभुक अयोग्य होने के बाद भी राशन कार्ड की सूची से जुड़कर राशन के लाभ ले रहे हैं, जबकि कई जरूरतमंद परिवारों को आज भी राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पतरातू प्रखंड के पढ़े पदाधिकारी उदय शंकर पाठक ने बताया कि विगत एक साल में प्रखंड के जितने भी अयोग्य राशन कार्ड धारी है उनका नाम सूची से हटाकर जरूरतमंद व्यक्तियों के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। बार बार मना करने के बाद भी जो लोग अपना नाम नहीं हटा रहे हैं, ऐसे लोग की छानबीन होने पर यदि अवैध पाया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दंडनात्मक कार्य किया जाएगा। वहीं पतरातू प्रखंड के एक नवयुवक रण विजय, जिसकी सरकारी नौकरी हो जाने के बाद वे स्वयं अपने गार्ड सरेंडर करने MO ऑफिस पहुंचे, जिनका सभी लोगों ने स्वागत किया है। और छूट गया था, वैसे 10,000 लोगों का सदस्यों का हम लोगों ने राशन कार्ड में नाम जोड़ा है और फिलहाल झारखंड सरकार के तत्वावधान में जो हरा कार्ड बनने का कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने लगभग 2 से 2.5 हजार कार्ड अब तक बना दिया है। सर, क्या आपके पास कोई ऐसे भी लोग आते हैं, जैसे अभी हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं जो खुद से अपना कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या अप्रिसिएशन है उनके लिए? काफी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं अथवा जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है वो लोग राशन कार्ड सरेंडर कर देते हैं इस कार्यालय में। उसके स्थान पर हम लोग किसी गरीब व्यक्ति को निर्गत करते हैं और ये काफी अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि इनके जैसे जागरूक युवा लोग आगे आएंगे। जामताड़ा जिले में दलित परिवार पिछले 7 दिनों से जामताड़ा पुराना कोर्ट स्थित धरनास्थल पर बैठे हैं। वहीं इन परिवारों का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने इनके घर पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन ने इस मामले की कहना है कि सालों पुराना यह जमीन विवाद है जिसकी जांच की जा रही है। वहीं विवादित जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया है, जिससे बदलकर धारा 145 लगा दिया गया है। वहीं आज हजारीबाग के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल धरनास्थल पर दलित परिवारों से मिलने पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों का दुखड़ा सुनकर भावुक हो गए। मौके पर अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, बीरेंद्र मंडल और अन्य पार्टी अधिकारी मौजूद थे। नवीन जायसवाल ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, अब तक पदाधिकारी इसकी समस्या का समाधान नहीं किया है, इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, स्थानीय विधायक को ऐसे मामले में कोई लेना देना नहीं है, वो एक बार फिर पीड़ित परिवार को देखने नहीं आए, हजारीबाग जाकर इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही गई है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की